हम बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 गैसेस 16 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है और किस तरह से उसको जो है वो वापस बाहर निकाला जाता है। तो लास्ट टॉपिक में आपने लंग्स का स्ट्रक्चर और रिब्स के बारे में देखा था कि हमारे अंदर जो है चेस्ट कैविटी में 12 जोड़े होते हैं पसली होंगे जिन्हें हम रिब्स कहते हैं, और उनके पीछे जो है वो लंग्स होते हैं, लंग्स नीचे जो है वो डायाफ्रेम होता है। तो हमें बता रहा है कि इनहेलेशन में क्या होता है कि एयर का हमारे लंग्स के अंदर आना जो है उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। इस प्रोसीजर में एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकाल दी जाती है। ऑन द अदर हैंड एक्सहेलेशन में जो है उस एयर को हम अपने लंग्स में से बाहर निकाल देते हैं। तो इनहेलेशन कैसे होती है, बता रहा है कि रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो सिकुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि ये एक रिब है, उसके साथ एक मसल अटैच है इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये मसल सिकुड़ेगा तो ये रिब फैलेगी। अगर इस तरह से ही एक रिब यहाँ पे है और उसके साथ भी एक मसल है, जब ये सिकुड़ेंगे तो ये फैलेंगी बाहर की तरफ फैलेंगी। इसी तरह से डायाफ्रेम जो है वो नीचे को लोअर हो जाता है, तो जब ये फैलते हैं तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है। इस तरह से इंटरनल प्रेशर जो है वो एयर का काम हो जाता है, बाहर से एयर नॉस्टल्स के जरिए अंदर की तरफ। जी स्टूडेंट, तो रिब मसल्स को बता रहा है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब्स आर रेज्ड, तो ये फैलती हैं। द डोम शेप डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड, तो जो डायाफ्रेम है वो इस तरह से होता है, इसके नीचे ये जो हमारा हिस्सा है पसली में नीचे इस तरह से होता है, तो ये नीचे की तरफ हो जाता है। डोम कहते हैं गुंबदनुमा को, इसकी जो शाफ्ट है वो गुंबदनुमा है, तो ये थोड़ी सी नीचे हो जाती है। तो इस तरह से जो लंग्स का साइज है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द लंग एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर विद इन देम डिक्रीज, तो उनके अंदर एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब बाहर से एयर जो है वो नॉस्टल्स के जरिए अंदर आती है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, तो वो तेजी के साथ वो बाहर से जो है वो अंदर की तरफ आएगी हमारे लंग्स में, ताकि प्रेशर को बराबर रखा जा सके। फिर उसके अंदर से जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल कर दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एयर में भेज जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि एक्सहेलेशन में लंग्स जो है वापस अपनी हालत में आते हैं, ताकि उस एयर को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की गई है, जो डीऑक्सीजनेटेड एयर हो गई है, उसको वापस जो है नॉस्टल्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे बता रहा है कि आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज द इनप्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में उसको जो है वो बाहर निकाल दिया था। अब वो वापस अपनी असल हालत में आ जाएंगे जो मसल्स हैं, और रिब्स अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगी। द रिब मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स, ये सब रिलैक्स करेंगे। द शेप इन द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस एंड द प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूसेस, तो दोबारा से प्रेशर बनेगा लंग्स के ऊपर नीचे से भी डायाफ्राम से और ऊपर पसलियों से भी, जिसकी वजह से उनका जो है वो साइज कम हो जाएगा, जो अंदर एयर है वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से द शेप इन द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस एंड द प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस, और वो एयर जो है वो बाहर आ जाएगी। अब हम बता रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में एक इंसान जो है वो 16 से 20 दफ़ा ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर। ह्यूमन ब्रीथ 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में जब हम एक नॉर्मल हालत के अंदर है। तो नेक्स्ट इसी के अंदर जो सब टॉपिक है उसके अंदर वो हमें बता रहा है कि किस तरह से ये जो है ब्रीदिंग का रेट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या किसी स्ट्रेस में है जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। तो होता क्या है कि जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सेलुलर लेवल में हमारे अंदर जो है वो फूड की ब्रेकडाउन होती है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो वो हमारा ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है। यही के बाद उसने बताया द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, तो बेसिकली वो ब्लड होता है जो यहाँ तक पहुँचता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो ब्रीदिंग सेंटर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, और फिर वो ब्रीदिंग सेंटर्स जो हैं वो लंग्स को मैसेज भेजते हैं कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल लिया जाए। ड्यूरिंग हार्ड जॉब मसल सेल्स कैरी सेलुलर एस्पिरेशन एट ग्रेटर लेवल, तो ये बात मैंने पहले एक्सप्लेन की है कि मसल सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब्स मसल, अब ये रिब्स मसल्स को मैसेज भेजेंगे डायाफ्राम मसल्स को टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का रेट जो है वो बढ़ा दें। तो बता रहा है कि इस दौरान जो है जो हमारे ब्रीदिंग रेट है वो 30-40 टाइम्स पर मिनट या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल रेट आपने देखा था 16-20 टाइम है। ऑन द अदर हैंड जो हम हार्ड जॉब या किसी एक्सरसाइज के दौरान हमारा ब्रीथिंग रेट है वो 30-40 टाइम हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।